गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दक्षिणी स्कूल की सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह पेंटिंग करेंगे, जिसके आर्टिस्ट का नाम नहीं है, चित्रकार जो है वो अज्ञात है। मीडियम वाटर कलर है, कलेक्शन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के इस व्यक्ति चित्र को किसी अज्ञात चित्रकार ने बनाया है। सुल्तान को बालकनी में बैंगनी रंग के बिस्तर पर पूर्ण सजा हुआ यानी पूर्ण रूप से सुसज्जित अंदाज में दिखाया गया है। दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए भी दिखाया गया है। नीले रंग का बड़ा गोल तकिया उसके पीछे रखा है। उसके आधे दिखते चेहरे को स्पाट हल्के गुलाबी रंग से दिखाया गया है। उसकी मूछों के बाल व कान के आगे के नीचे लटकते कनपटी के बालों को लगभग आपस में मिलते हुए दिखाया गया है। उसके सिर पर काले रंग की पगड़ी है, जिस पर सुनहरे रंग की घुमावदार रेखाएं हैं। उसने पीले रंग का अंगरखा पहन रखा है, जिस पर रेखाकृति बनी हुई है यानी रेखाएं बनी हुई हैं। उसने कमरबंद पहना हुआ है, जिसके अंगरखे को शारीरिक संरचना के अनुसार उभार मिला है। उसकी दोनों बाजुओं के नीचे की ओर लाल रंग के वस्त्र लटकते हुए दिखाए गए हैं। उसके चेहरे के चारों ओर हरे रंग का गोलाकार आभार मंडल दिखाया गया है। आभा मंडल होता है जो पीछे गोल चंद्रमा की तरह बना होता है। पृष्ठभूमि में हरे पीले रंग से हरी भरी धरती का आभास कराया गया है। चित्र के ऊपर फारसी में सुंदर सुलेखन लिखा गया है। इस चित्र में भारतीयता का पूर्ण अभाव है। इसमें चेहरे की बनावट, रूप सज्जा व रंगों का संयोजन सभी कुछ पश्चिम व ईरानी कला का है।